हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ललित मोहन। आज मैं एक बार आपके लिए CUET 2023 का एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स रेफर टू डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें से कैश इक्विवेलेंट्स कौन सा है। तो ये क्वेश्चन हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट का। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स रेफर टू शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट्स ऑफ कैश विद इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। सच इन्वेस्टमेंट्स हैज अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 months और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। लेट अस टेक द आइटम्स वन बाय वन। डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। इट इज द पार्ट ऑफ कैश एज कैश इंक्लूड्स कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, therefore it will be included in cash and cash equivalents. Bills receivables. Bills receivables is the part of current assets, therefore it will not be included in cash and cash equivalents. Treasury bill, commercial paper and marketable securities. These are short-term investments, therefore they will be included in cash and cash equivalents. Important point to remember. Bank overdraft and cash credit are the part of financing activities of the enterprise. Therefore, option A is the correct answer. Cash equivalents will include demand deposits with bank, treasury bill, commercial papers and marketable securities. एक similar question है आपके लिए, आप इसको solve कीजिए और इसका answer आप comment section में दे सकते हैं, option A, B, C या D. तो आज हमने पढ़ा cash flow statement. इसी तरह की एक्साइटिंग वीडियोस के लिए बने रहिए CUET एग्जाम फैक्टर के साथ। थैंक यू।